हेलो जी, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे बची हुई रोटी के नूडल्स। आपको मेरे चैनल पर सारी सी रेसिपीज मिलती रहेंगी, तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए हम देखते हैं बची हुई रोटी के नूडल्स बनाने के लिए हमने किन किन चीज़ों का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने ले ली है रोटी, बेसन और थोड़ा सा मैदा, शिमला मिर्च ले ली है, प्याज ले ली है और हरी मिर्च ले ली है। आप ले सकते हैं इसमें गाजर भी और पत्ता गोभी भी ले लिया है मैंने। मसालों में काली मिर्च कूटी हुई, लाल मिर्च, नमक और चाट मसाला। हम ले लेंगे बेसन, बेसन ज़्यादा रहेगा, मैदा बिल्कुल थोड़ा सा रहेगा। 1.5 चम्मच मैंने मैदा लिया है। कुटी हुई काली मिर्च हम डाल देंगे इसमें। अब हम डाल देंगे इसमें लाल मिर्च, नमक और चाट मसाला। इन सारे मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी। एक पेस्ट रेडी कर लेंगे हम इसका पूरा अच्छे से। मेरे चैनल पर सारी इजी रेसिपीज मिलती रहेगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने ले ली है रोटी, इसको मैं कट कर लूँगी। आप किसी भी शेप में इस रोटी को कट कर सकते हैं। मैंने रोटी को कट कर लिया है, मैं इसको बीच में से भी कट कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने रोटियों को कट कर लिया है। तेल गर्म हो चुका है हमारा अच्छे से, पेस्ट को एक बार ऐसे मिक्स कर लिया है। अब हम रोटी को इसमें डिप करेंगे तेल में और फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मैंने गैस की फ्लेम कर दी है मीडियम बिल्कुल। अब हम इसमें डाल देंगे सारी रोटियों को डिप करके। इस पर थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहेंगे, जिससे कि ऊपर से भी सिकती रहे। ये बहुत ही टेस्टी बनेगा, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। आप किसी भी शेप में रोटी को कट कर सकते हैं। ये हमारे सारे हो चुके हैं रेडी, फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने ले लिया है एक फ्राई पैन, उसमें डाल दिया मैंने तेल गर्म होने के लिए। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, मैंने उसमें डाल दी है प्याज। प्याज को हम थोड़ा सा भुनेंगे। आप इसमें लहसुन का भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज को हमें पूरी तरीके से नहीं पकाना है, बिल्कुल हल्का सा हमें फ्राई करना है। अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई शिमला मिर्च। अगर आप कोई और वेजेस भी यूज़ कर रहे हैं तो इस टाइम पे आप डाल सकते हैं उनको भी। अच्छे से हम शिमला मिर्च को भी प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हम इसको चलाते रहेंगे। ये होने लगे, हमारे अच्छे से भुनने लगे हैं, तो अब हमने इसमें डाल दिया है हरी मिर्च को। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें नमक। फ्लेम हमारी, गैस की फ्लेम हमारी मीडियम ही है। अब मैंने डाल दिया इसमें काली मिर्च। नमक और काली मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो केचप। अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी मिक्स हो चुकी है हमारी टमाटो केचप, तो अब हम इसमें डाल देंगे रेड चिली सॉस। हमने हरी मिर्च का भी यूज़ किया है, तो आप रेड चिली सॉस थोड़ी डालें। इसमें हमने डाल दी है सोया सॉस। सभी सॉस को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से सब्जियों के साथ। ये हो चुके अच्छे से मिक्स। अब हम डाल देंगे इसमें अपनी फ्राई की हुई रोटियों को। इनको अच्छे से हम सॉस और सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है देखने में। तो हमारी ये टेस्टी सी बची रोटी की रेसिपी रेडी है। तो आपके जिन जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।